वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल सबा असद। आज मेरे किचन में बन रहे हैं काले मसर। इजी और आसान रेसिपी है, मैं निंजा फूडी में बना रही हूँ। 1.5 कप मैंने काले मसर लिए हैं और तकरीबन 2.5 कप मैंने उसमें वाटर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है और निंजा फूडी को मैंने सौते मोड पर ऑन कर दिया है। एक बॉयल आने पर मैंने उसमें पूरा एक लहसुन, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 दालचीनी का पीस ऐड किया है। सॉल्ट एंड पेपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। सौते मोड को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको मैंने लाइट करके प्रेशर मोड पे ले गई हूँ। वेंट मैंने क्लोज कर दिया है और 10 मिनट का जो है प्रेशर यहाँ पर मैं इसको लगा दूंगी। तो प्री जो है इसका होता है 3 मिनट्स के लिए। दाल के साथ जो है राइस बना रही हूँ मैं, ज़ीरा राइस। वो प्रेशर जो है वो यहाँ पर बंद हो गया है, लेकिन मैं इसको ऑफ नहीं करूँगी और कीप वार्म पे रहने दूँगी फॉर 3 मिनट्स मोर। फूडी को ऑफ कर दूँगी और तकरीबन 4 मिनट के बाद मैं इसका जो है वो वेंट ओपन करूँगी। तो 4 मिनट के बाद मैंने इसका वेंट ओपन कर दिया है और साथ में ही मैं तड़का बनाने के लिए रख दूँगी। और ये देखें, वेंट ओपन होने के बाद जब मैंने निंजा फूजी ओपन किया है तो दाल बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गई है। इसमें मैं डाल दूंगी हैंड पे क्रश करके थोड़ी सी सूखी मेथी, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिली डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। तड़के में जो है प्याज के साथ मैं थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दूंगी, उसको फ्राई करके वो दाल को तड़का लगा दूंगी। ये यमी सी दाल जो है वो रेडी है। आप अपनी मर्जी से राइस या चपातीस के साथ इसको सर्व कर सकती हैं। तो होप यू लाइक दिस रेसिपी। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय।